छात्रों, पिछली कक्षा में हमने वर्ग समीकरण ज्ञात करने की गुणनखंड विधि का अध्ययन किया है। आज हम वर्ग समीकरण ज्ञात करने की सूत्र विधि का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में बताया गया था कि वर्ग समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, एक तो पहली गुणनखंड विधि और दूसरा सूत्र विधि। सूत्र विधि में एक सूत्र है, उसमें मान रखकर इसका हल प्राप्त किया जाता है जो वर्ग समीकरण के मूल होते हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा यहां पर चर x है, अज्ञात राशि अननोन क्वांटिटीज क्या है x। हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो ये वर्ग समीकरण का मानक रूप, इस वर्ग समीकरण का मानक रूप सूत्र विधि द्वारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए से ज्ञात किया जाता है। इस वर्ग समीकरण का इस सूत्र से सूत्र विधि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से ज्ञात किया जाता है। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधराचार्य प्रथम भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ग समीकरण का हल इस सूत्र से प्राप्त किया था, तो इस कारण इसे श्रीधराचार्य सूत्र हम कहते हैं। अब देखते हैं ये सूत्र की व्युत्पत्ति कैसी हुई। इस सूत्र की व्युत्पत्ति के बारे में हम पहले अध्ययन करते हैं, फिर इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वर्ग समीकरण का उसका इस सूत्र विधि से हल करेंगे। दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये समीकरण दिया गया है जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा जाता है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है कि ये यदि जीरो हो जाए, सपोज दैट कि ए जीरो हो जाए तो क्या होगा, जीरो होने से ये जो पद है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो हमें बी एक्स प्लस सी के रूप में मिलेगा जो एक द्विघाती बहुपद नहीं होगा, एक घाती बहुपद होगा, है ना। तो हमारी जो अवधारणा है वर्ग समीकरण की वो फुलफिल नहीं होगी, इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये अनिवार्य कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अब हम इसमें सी को पक्षांतर करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वी प्लस दैट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल माइनस सी। सी को हमने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, साइन चेंज हो गया, प्लस से क्या हो गया माइनस। अब फोर ए से दोनों पक्षों में गुना करने पर, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 4a इंटू माइनस सी। हमने दोनों पक्षों में 4a से गुना कर दिया। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स इक्वल माइनस 4ac।
क्या हो गया 4a स्क्वायर, a a पावर 1 है, 1 है, जब जब आधार एक होता है बेस, और जब गुणा किया जाता है राशि से तो उसके पावर कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 4a स्क्वायर x प्लस 4ab x इक्वल माइनस 4ac। अब हम दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर, जोड़ने पर सिंपलाइज दैट 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, बी स्क्वायर प्लस कर दिया। अब इसको हम सरल करेंगे। हम 4a स्क्वायर x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2ax टू दी पावर 2, 4ax स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, इसको हम थोड़ा समायोजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2ax इंटू b, लिखा जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4abx ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा माइनस 4ac। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ये कुछ फॉर्मेट जो सूत्र है उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इस रूप में है, इस सूत्र x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू y प्लस y स्क्वायर इक्वल ये होता है x प्लस y होल स्क्वायर इस रूप में है, इसी रूप में ये है, ये x हो गया, कंपेयर करें दिस इज x ये y और ये किसके रूप में हो गया y x स्क्वायर y स्क्वायर के रूप में हो गया है ना, तो ये किस रूप में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा which implies that ये हो जाएगा इस ऐसे फॉर्मेट में है, तो इसको हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, इस रूप में लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2ax plus b whole square equal b स्क्वायर माइनस 4ac, 2ax प्लस b होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस b इक्वल प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, 2ax प्लस b इक्वल प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ax प्लस b इक्वल प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b को पक्षांतर करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, b को पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 2ax इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की,
तो हम ये हो जाएगा x इक्वल, अब ये बचा 2a, 2a इसके नीचे चला आया, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्या है, सूत्र है, यही सूत्र है ना, यही सूत्र है x इक्वल क्या हुआ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को ही श्रीधराचार्य सूत्र या सूत्र वर्ग कहते हैं। इसके दो मान हुए, इससे दो मान हुए, एक बार धन चिन्ह लेने पर x के दो मान प्राप्त होंगे, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेने पर x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट, सॉरी धन चिन्ह ले रहे, चिन्ह किसका लेंगे, यहाँ पर जो प्लस माइनस है ना उसका, इसका चिन्ह पर्टिकुलर ऋण बी दिया हुआ है, तो ऋण बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा 2, एक मान निकलेगा। ऋण चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर x इक्वल हो जाएगा, x इक्वल होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये। तो इस तरह से इस सूत्र में हम मानक वर्ग समीकरण को हल करके दो मान प्राप्त कर लेंगे। अब इससे एक प्रश्न देखते हैं और इस सूत्र विधि द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ये प्रश्न है, इसको सूत्र विधि से हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0 हल दिया गया वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ये समीकरण दिया है। मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल 0 से तुलना कीजिए तो a की वैल्यू क्या होगी, दोनों से अचर पदों को तुलना कीजिए, अचर गुणांकों को क्या होगा, ए की एनी वन, ए का मान क्या होगा, ये जो दिया गया समीकरण है इसको मानक समीकरण से तुलना करना है तो ए की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी 2, कितनी हो जाएगी 2, बी की क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बी की, थोड़े जोर से बोलिए क्या होगी, और करेक्ट कीजिए, सही नहीं है, क्या होगी बी की वैल्यू, यस माइनस 7, कितनी होगी माइनस 7, सी की वैल्यू क्या होगी 3। अब जब कंपेयर करेंगे तो पूरा उसके साइन के साथ करेंगे, है ना,
जैसे यहाँ पे आपने b का 7 बोला, रॉन्ग, क्या होगा b का माइनस 7, क्योंकि आपके वैल्यू को फार्मूला में आपको रखना है। तो ये हो गए a इक्वल टू b इक्वल माइनस 7, c इक्वल 3। abc का मान, abc का मान, मान सूत्र, सूत्र x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में रखने पर मान रखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी दिया हुआ है तो माइनस तो पहले से रेडी है, माइनस 7 प्लस माइनस रूट इतना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। एक बार चेक कर ले हम, फिर x के जो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a की x b की वैल्यू माइनस 7 माइनस ऑलरेडी है b में, प्लस माइनस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 इंटू 2। माइनस सेवन एंड माइनस सेवन कितना हो जाएगा, प्लस 7 प्लस माइनस रूट माइनस 7 होल स्क्वायर 49, यस, एंड दिस इज माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 चार 24 अपॉन 4, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 49 माइनस 24 25 अपॉन 4 एक्स। अब यहां पर एक्स 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। अब यहां पर हमको दो साइन है प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, धन चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5 बाई 4 कितना हो जाएगा, x इक्वल 12 अपॉन 4 3 टाइम्स एक्स इक्वल 3, एक्स की वैल्यू आ गया। सेकेंड एक्स इक्वल 7 माइनस 5 बाई 4 कितना हो गया, एक्स इक्वल 2 अपॉन 4, 2 जा 4 तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो एक्स के दो मान मिले, एक्स इक्वल 3 और 1/2, ये x इक्वल 3 एंड 1/2 क्या होगा, इस समीकरण के हल होंगे। अब हम वह समीकरण के विविक्तर को देखेंगे।
समीकरण की विविक्त कर या इनसे बोलते विवेचक, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। वर्ग समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमको दो मूल प्राप्त होते हैं, एक अल्फा इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एवं बी इक्वल बीटा इक्वल माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये वर्ग समीकरण के हल करने के दो मूल होते हैं। राशि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राशि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये राशि है, ये मूलों के प्रकृति का निर्धारण करता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये मूलों के बारे में बताता है, तो इसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को वर्ग समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। इसे डी से दर्शाया जाता है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। पहला कंडीशन, यदि डी का मान जीरो से छोटा, जब हम मान रखें बी ए सी का अचर गुणांकों का मान रखें और अचर गुणांकों का मान रखने पर उसका मान शून्य से छोटा आए, शून्य से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जो मूल प्राप्त होगा वर्ग समीकरण का, जो हम मूल प्राप्त करेंगे ज्ञात करेंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित होते हैं। कब? जब d लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। पहला कंडीशन, विविक्त कर वर्ग समीकरण के मूलों के बारे में बताता है, इस कारण इसे इनके मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है, मूलों का निर्धारण करता है, इस कारण इसे विविक्त कर कहते हैं। और जब d जीरो छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। दूसरा, d इक्वल जीरो, d का मान क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो मूल वास्तविक होंगे। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और मूल कैसे होंगे, पुनरावृत्त होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और अल्फा बीटा का मान एक होगा, समान होगा। अल्फा इक्वल बीटा माइनस होता है, इक्वल हो जाएगा, ये अल्फा बीटा का मान होगा माइनस बी अपॉन टू ए। कब? जब d का मान जीरो, d का मान कहाँ से प्राप्त होगा, b स्क्वायर माइनस ए सी में हम b a b c का मान रखेंगे, तो जो मान प्राप्त होगा यदि वो शून्य हो तो मूल वास्तविक होंगे, और अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए मतलब कैसे होंगे, पुनरावृत्त मान मिलेंगे। तीसरा, यदि d का मान बड़ा हो, किससे बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो, तो क्या होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर जब d बराबर जीरो होता है तो मूल वास्तविक होंगे और मूल समान होते हैं, बराबर मान निकलेंगे, लेकिन यहां पर जब d ग्रेटर देन जीरो मतलब d का मान यहां पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में जब हम ए बी सी का मान रखेंगे तो मान यदि धनात्मक मिले तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे और असमान अलग अलग मिलेंगे। मूल वास्तविक होंगे तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे
एवं असमान होंगे, अलग अलग मान निकलेंगे। अल्फा और बीटा के मान कैसे होंगे? अलग अलग मान होंगे। ये वर्ग समीकरण के विविक्तकर हैं, विवेचक हैं, जिसके द्वारा हम वर्ग समीकरण के मूलों के बारे में, उनके प्रकृति के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम इससे संबंधित, विविक्तकर से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा, वर्ग समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। वर्ग समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। सॉरी, माइनस वन है सर। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0 है। दिया गया वर्ग समीकरण थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर तुलना करें हम इससे, तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी बताइए, कितनी हो जाएगी? 3। बी की वैल्यू कितना? 2। एंड सी की वैल्यू? सी की वैल्यू होगी माइनस वन। सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस कर, विविक्त कर, विविक्त कर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी का मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? b की वैल्यू कितनी है? 2a² माइनस 4, 1 की वैल्यू है 3, c की वैल्यू माइनस वन। 2a² माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1, डी इक्वल 2a² 4, एन माइनस प्लस 4 3 12, देन डी इक्वल 16। आंसर ये भी कर है ना, हमने मान रख दिया। इस प्रकार इस जो समीकरण है
3x square plus 2x minus 1 equal 0 का विविक्त कर कितना प्राप्त हुआ हमको 16, है ना। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किन समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या नहीं हमको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ना, इसमें हमको चेक करना है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं। 4x square minus 5x minus 3 equal 0। ये दिया हुआ है 4x square minus 5x minus 3 equal 0। इसमें चेक करने की मूल वास्तविक है या नहीं, ठीक है। दिया गया समीकरण 4x square minus 5x minus 3 equal 0। वर्ग समीकरण से तुलना करें, a की वैल्यू कितनी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना करने पर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू -3। विविक्त कर डी इक्वल, है ना, मूल वास्तविक है या नहीं ये किससे हम परीक्षण करेंगे, वियुक्त कर से, डिस्क्रिमिनेंट से, है ना। तो वियुक्त कर d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac में abc का मान रखने पर रखेंगे मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4, सी की वैल्यू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल क्या होगा माइनस 5 स्क्वायर 25। हियर माइनस एंड माइनस प्लस और कितना हो जाएगा 48, देन डी इक्वल 73 क्या है, जीरो से बड़ा है कि छोटा है, प्लस 73 ग्रेटर देन, ये जीरो से बड़ा है ना, तो डी जीरो से बड़ा हुआ, और जब डी जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो मूल, हेंस मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे ठीक। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं। क्वेश्चन है फोर्थ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, ये समीकरण दिया गया है। दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ये कंपेयर किया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या निकल आएगी, कितना हो जाएगा,
ए की वैल्यू बताइए कंपेयर करने से, वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, ठीक है। ए बी सी का मान इस इक्वेशन में रखेंगे विविक्त कर में, क्योंकि हमको मूल वास्तविक है या नहीं ये हमको परीक्षण करना है, तो विविक्त कर के द्वारा ही करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में ए बी सी का मान रखने पर तो d इक्वल b की वैल्यू वन, वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, क्या मिलेगा d इक्वल d इक्वल वन स्क्वायर वन एंड हियर फोर वन वन कितना हो गया इंटू वन वन माइनस फोर, तो d इक्वल क्या होगा माइनस थ्री, माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, ये कैसा होगा जीरो से छोटा है इसलिए d जीरो से छोटा होगा। जब d जीरो से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, क्या होता है मूल, मूल वास्तविक नहीं होते, हेंस मूल वास्तविक नहीं होंगे, हेंस दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे। अब एक और है इक्वेशन, इसमें दिए गए एक अचर राशि का मान ज्ञात करना है, लैम्डा के किन मानों के लिए निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, लैम्डा के किन मानों के लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, ये समीकरण दिया गया है। इसमें ये कह रहे हैं समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, लेकिन आपको लैम्डा का मान निकालना है ना। दिया गया समीकरण लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना करने पर कीजिए क्या हो जाएगा, ए का मान लैम्डा, बी का मान टू, सी का मान वन, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, दिया है मूल कैसे हैं वास्तविक के लिए, यही कंडीशन है वास्तविक होंगे के लिए कंडीशन है यही, ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो मान रखेंगे ए बी सी का तो क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर का मान रखिए टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू लैम्डा इंटू वन ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, टू स्क्वायर मीन्स फोर माइनस फोर लैम्डा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, हम उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा फोर ग्रेटर देन आर इक्वल फोर लैम्डा, कितना हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल फोर लैम्डा, पक्षांतर हो गया है ना, तो ये हो जाएगा फोर, फोर एंड फोर कैंसल ग्रेटर देन आर इक्वल लैम्डा,
फोर इन फोर कैंसल, नीचे आ जाएगा तो निकल जाएगा आपको वन, वन ग्रेटर देन आर इक्वल लेमडा। तो ये कंडीशन है कि जब लेमडा का मान एक के से बड़ा या एक के बराबर होता है तो समीकरण जो दिया गया, समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना। वन ग्रेटर देन आर इक्वल लेमडा, तो दिया गया मूल इस कंडीशन में मूल कैसे हो, समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। आज हमने सूत्र विधि से वर्ग समीकरण का हल और वर्ग समीकरण के विविक्त कर द्वारा समीकरणों के मूल के वास्तविक, है ना, असमान और वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, तीन कंडीशन हमने देखा, तीन शर्त देखा, है ना, और उस पर संबंधित हमने प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हल किए। कल हम बाकी इस प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।